सोर दिला ऑफ ट्रेंड्स एंड इशूज इन अर्ली चाइल्ड हुड एजुकेशन वी आर नाउ डिस्कसिंग इशूज एंड प्रॉब्लम इन पाकिस्तान रिलेटेड टू ई सी ए अब पाकिस्तान के अंदर ई सी ई नाफिस करने के क्या प्रॉब्लम्स हैं हम अब तक ई सी ई के मारत को क्यों नहीं छू सके पहली बात तो ये कि द बजट फॉर ई सी ईज मीगर एंड नैगलेजिबल हमारे बजट जो है वो कम है तो आपको पता है पूरी एजुकेशन के लिए हम टू परसेंट जी जो है वो खर्च करते हैं तो जाहिर है इसी को तो इससे भी कम हिस्सा मिलता है फिर स्कूल्स लैक द कैपेसिटी टू प्लान इम्प्लीमेंट एंड मोनीटर ई प्रोग्राम्स जिन जिन स्कूलों में ये हमने 2003 में ई का जो प्रोग्राम शुरू किया था इसके तहत मुख्तफ स्कूलों में एक कॉर्नर एक रूम जो था वो बच्चों के लिए मुख्त किया गया था और फिर इस रूम के अंदर मुख्तलिफ़ कॉर्नर्स थे मैथमेटिक्स कॉर्नर साइंस कॉर्नर और इस तरह से डिफरेंट आर्ट्स कॉर्नर और फिर उनमें एक ट्रेंड टीचर जो था वो भी अपॉइंट किया जाता रहा है तो ऐसी सूरत में क्या स्कूल ई को मॉनिटर कर रहे हैं जो उन स्कूलों के अंदर हो रहा है तो इसके ऊपर भी काफ़ी अभी हमें ज़रूरत है तोज्जो देने की फिर ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ फ़ॉर टीचर्स एंड मैनेजर्स एडमिनिस्ट्रेटर्स आर रेयरली अवेलेबल अब देखिए हमारे वो उसा जो ई ई में बेहतरीन क्वालिफिकेशन रखते हैं या हमारे वो एडमिनिस्ट्रेटर्स जिनको समझ है ई की क्योंकि मॉनिटरिंग भी तो उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक आप उसकी सारी जो निटीग्रिटीज हैं वो नहीं जानते जब उनको रूल्स और प्रिंसिपल्स का पता नहीं होगा जब उनको पता नहीं होगा बच्चे की रिक्वायरमेंट क्या है तो वो उसको ठीक से मॉनिटर भी नहीं कर सकते फिर मजॉरिटी ऑफ चिल्ड्रन अंडर फाइव ईयरस ऑफ एज आर सफरिंग फ्राम मेल न्यूट्रीशन पुअर हेल्थ एंड अ लैक ऑफ सेफ ड्रिंकिंग अब जो बच्चा हमारे दायरा कार में आ भी रहा है वो पीछे जिन घरों से आ रहा है वो लो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं मोस्ट ऑफ़ दाइम और फिर उनके क्या मसाइल हैं उनकी खुराक भी ठीक नहीं है उनकी सेहत ठीक नहीं है क्योंकि साफ़ पानी भी नहीं उनको मिलता तो इसके अलावा और भी ऐसी टॉयलेट टॉयलेटिंग की बहुत सी फैसिलिटीज़ हैं जो कई घरों में मुहैया ही नहीं हैं तो अगर आप बच्चे को कुछ कॉर्नर में आके थोड़ी देर के लिए दो तीन घंटे के लिए अच्छी तरबियत कर भी देंगे तो उसके जो पिछले हालात हैं और जो उसकी हिस्ट्री है या उसकी जो बैकग्राउंड है उस पर तो आप काबू नहीं पा सकते तो हम क्या रिकमेंड करते हैं हम ये कहते हैं कि हमें सबसे पहले तो एडवोकेसी करनी चाहिए प्रोपगेशन करनी चाहिए लोगों के अंदर अवेयरनेस आनी चाहिए कि ई कितना इम्पॉटेंट है और क्यों इसको हर स्कूल का लाजमी हिस्सा होना चाहिए और क्यों इसकी क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए और फिर इसके मुताबिक इस सारी सिचुएशन जो इस वक्त करंट सिचुएशन है या जो प्रीवियस सिचुएशन रही है उसके बारे में एम्पेरिकली साइंटिफिकली डेटा कलेक्ट किया जाए और जो पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाए वो उन पॉलिसी उन, उन उस डेटा को सामने रख के बनाए फिर ये कि हमारे पॉलिटिक्स के जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी विल होनी चाहिए दे शुड बी सिंसियर टू देयर न्यू जनरेशन तो उनके अंदर पॉलिटिकल विल होनी चाहिए और इसके लिए भी ज़ाहिर है हमें अवेयरनेस जो है वो फैलानी है फिर पार्टनरशिप जैसा हमने पीछे भी अर्ज किया था कि गवर्नमेंट जो है वो सारे जो हमारा मुल्क है उस सारे बच्चों को तालीम नहीं दे सकती इसके लिए प्राइवेट सेक्टर को आगे आना ही आना है लेकिन जब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो तो फिर कुछ ना कुछ कंट्रोल और कुछ ना कुछ नेगोशिएशंस प्राइवेट सेक्टर के साथ भी हों ताकि वो किसी को आ, नुकसान ना पहुँचाएँ बल्कि उनकी जो सलाहियतें हैं वो तालीम के नशो में सामने आएँ फिर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स हों जो मुख्तलिफ़ इदारे मिल के ऐसे प्रोग्राम बनाएं, जैसे हम अभी बात कर रहे थे सैकोलॉजिस्ट की रिसर्चर्स की वो मिल के इसी के साथ के, के साथ इसी के पॉलिसी मेकर्स के साथ काम करें फिर हमें प्लानिंग करनी है ख़ास तौर पर हमें यह देखना है कि हमें कितने बच्चों के लिए किस तरह की फैसिलिटीज़ इब्तदाई तौर पर चाहिए और आइंदा आने वाले कितने सालों में हम उसमें किस तरह से बेहतरी ला सकते हैं फिर ज़हरा है बजट को थोड़ा सा तो बढ़ाना होगा तभी बच्चों की एक्सेस जो है वो बढ़ेगी ज़्यादा लोग आएंगे ज़्यादा इदारे होंगे और फिर उसकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया था तीन बातें बहुत अहम हैं बच्चों का जो एन्वायरमेंट है उनको बेहतरीन एन्वायरमेंट दिया जाए उनको बेहतरीन कंटेंट दिया जाए और बेहतरीन प्रोफेशनली ट्रेंड इस हों ताकि उनको हर तरह से फैसिलिटेट किया जाए कुछ नया सीखने को और फिर फाइनली ट्रेनिंग एंड रिसर्च जब तक इस एडमिनिस्ट्रेटर्स की, की और ये ट्रेनिंग नहीं होगी उस वक्त तक कोई भी पॉलिसी आप ग्राउंड रूट्स पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते तो इस फिर वही बात कि हम रिसर्च करेंगे एम्पेरिकल डेटा लेंगे तो जहाँ जहाँ हमें डेफिशिएंसीज नज़र आएंगी, उनको हम पॉलिसी मेकर्स को रिपोर्ट करें और पॉलिसी मेकर्स उसके बेसिस पे हमें बेहतरीन पॉलिसीज बना के दें जिनके ऊपर इम्प्लीमेंट करना आसान हो